मैं मुकेश कुमार शर्मा ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंटरनेट के अनुप्रयोग। सबसे पहले इंटरनेट के अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। इंटरनेट एप्लीकेशंस इंटरनेट कई सेवाओं की सुविधा देता है, चीजों को ऑनलाइन खरीदने बेचने से लेकर वेब ब्राउजिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों के स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर ऑफ फाइल, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात www, चैट रूम, ब्लॉगिंग, नोटिस बोर्ड एवं इनके अलावा शॉपिंग से मनोरंजन तक के सभी ऑनलाइन सेवाएं हैं। इस अध्याय में हम इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे एवं उनमें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स होता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है ना कि इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स मुख्यतः इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ई कॉमर्स क्या है तो आपको एक सिंपल लाइन में बताना है कि ऑनलाइन वस्तुओं को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। पारंपरिक खुदरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटेल चैनल, अर्थात जो आपस में आप मार्केट से कोई खरीदारी बेचते हैं उसको खुदरा बोलते हैं। ऑनलाइन खुदरा रिटेल यानी कि आप पारंपरिक खुदरा से ऑनलाइन खुदरा में जो अंतर है वो 24 घंटे उपलब्ध होता है, यानी कि ई कॉमर्स पे आप 24 घंटे कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, हमेशा खुला होता है। और दूसरा, ई कॉमर्स वैश्विक पहुंच तक होता है अर्थात ग्लोबल रिच होता है। उत्पादों की व्यापक श्रृंखला यानी कि प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज होती है एवं कुशल ग्राहक सेवा के कारण अत्यंत सुविधाजनक है। ई कॉमर्स के परिदृश्य देखते हैं कुछ। ई कॉमर्स के कुछ शॉर्ट परिदृश्य देख सकते हो। व्यापार से उपभोक्ता, बिजनेस टू कंज्यूमर, आपको ये सब चीजें याद भी होनी चाहिए। आज के युग में जो B2C है वो क्या है? B2C का पूरा नाम आपको याद करना है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसको हिंदी में व्यापार से उपभोक्ता कहा जाता है, अर्थात माल का सीधा व्यापार से यानी कि बिजनेस से कस्टमर को पहुंच जो कहलाता है B2C। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो माल बनाती है वो डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाती है, यानी कि B2C में या इस परिदृश्य में कंपनीज अपने माल अपने सामान ऑनलाइन उन उपभोक्ताओं को बेचती हैं, यानी उस कंज्यूमर को बेचती हैं जो उत्पाद या सेवाओं के उपयोग करता है अर्थात एंड यूजर है। सिंपल भाषा में कहीं तो कंपनी डायरेक्ट माल को उसको बेचती है, उस कस्टमर या कंज्यूमर को जो उसका उपयोग करते हैं, वो B2C में आता है। B2C की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, B2C ई कॉमर्स के कुछ उदाहरण है जो आपको याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। अगर पूरा वेबसाइट आप देखना चाहते हो तो HTTP से लेकर इन तक, अर्थात नंबर एक है Amazon, दूसरा Flipkart, स्नैपडील, ये तीनों ही अगर कोई आपसे पूछता है आपको मालूम होना चाहिए B2C के अंदर आते हैं। ये B2C के उदाहरण है, ये इनकी वेबसाइट है, इनका आप यूज भी कर सकते हो और जो यूज करना जानते हैं वो इनको यूज करते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि वो B2C में आते हैं। नेक्स्ट है व्यापार से व्यापार, इंग्लिश में उसको बोला जाता है बिजनेस टू बिजनेस अर्थात B2B कहा जाता है। इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, किसी भी एग्जाम बैंक रेलवे SSC किसी में पूछा जा सकता है। इस परिदृश्य में कंपनीज अपने ऑनलाइन सामान और सेवा को उपभोक्ता को नहीं बेचकर सीधे अन्य कंपनीज को बेचती हैं, अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कंपनी अपने माल को ऑनलाइन सीधे दूसरी कंपनी को बेच देती है, ना कि कस्टमर को या कंज्यूमर को। इसके कुछ उदाहरण है अच्छे से, नंबर एक है Alibaba.com, दूसरा है आपका Amazon बिजनेस, तो इस तरीके से इसकी वेबसाइट भी दी गई है Alibaba.com, इंडिया में है तो india.alibaba.com, और Amazon का एक business.in है, Amazon बिजनेस, ये B2B में आता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। Amazon जो www.amazon.in है ये आता है B2C में, लेकिन www.amazonbusiness
डॉट इन है जो भी आता है बी टू बी में। उपभोक्ता तीसरा है उपभोक्ता से व्यापार, इसका मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, इसको शॉर्ट में सी टू बी बोलते हैं, इसका पूरा नाम है कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है कि सिंपल भाषा में पहले ही समझाऊं आपको, तो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता या कस्टमर कह सकते हो, कस्टमर से सीधा कंपनी के लिए जाना, ये कैसे हो सकता है? इस स्थिति में उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर या कस्टमर आमतौर पर अपने उत्पाद या सेवाओं को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। यानी मान लेते उदाहरण के लिए मुझे मेरी बाइक या मोबाइल कुछ भी बेचना है तो मैं इसका फोटो खींच के उस पर पोस्ट कर दूंगा, जिन पर कंपनीज अपनी बोलियां लगाती हैं। अब क्या करते हैं, जो कंपनियां होती हैं उस पर अपनी अपनी बोली लगाते हैं, रेट देते हैं कि भाई आपका ये माल इतने में बिकेगा। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर बोलियों को क्या है, बिड्स बोलते हैं इंग्लिश में, समीक्षा कर उस पर कंपनी का चयन करता है जो उसके उत्पाद या सेवाओं का सही दाम लगाता है। उदाहरण के लिए ऐसी कौन सी वेबसाइट है आपको याद होनी चाहिए, नंबर यहाँ पे दिया गया है, एक वेबसाइट का नाम www.thefreemartgagecalculator.com, ये पूरी है वेबसाइट है, ये कंपनी है जो आपको इस तरह के उत्पाद देती है जो आप अपने माल को बेच सकते हो बिजनेस कंपनी के लिए। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता से उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर टू कंज्यूमर, शॉर्ट में इसको सी टू सी बोलते हैं, आप इसका पूरा नाम याद कर सकते हो। इसमें क्या है कि एक कस्टमर या एक कंज्यूमर दूसरे कस्टमर या कंज्यूमर को अपना माल बेचता है डायरेक्ट। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है ईबे, अर्थात आप यहां से आपको शुरू से देखिए, इस परिदृश्य में उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर अपना सामान ऑनलाइन उन उपभोक्ताओं या कंज्यूमर को बेचते हैं, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर बेचा जा रहा माल। इसका एक बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण है वो है ईबे, इसकी वेबसाइट भी दी गई, आप इसे यूज कर सकते हो http://www.ebay.in इस तरीके से। और एक आता है इसमें लास्ट में एम कॉमर्स, आजकल मोबाइल का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है इसलिए ये एम कॉमर्स बहुत ज्यादा चलता है। एम कॉमर्स में क्या होता है, एम फोर यहाँ मोबाइल से है, आप मोबाइल इधर भी याद कर सकते हो या इधर से यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। इसमें स्मार्टफोन और व्यक्ति डिजिटल सहायकों जिसको शॉर्ट में पीडीए बोलते हैं, पीडीए का पूरा नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए एक टाइप से एक ऐसा होता है जो आजकल के लोग हैं जिन्होंने टैबलेट देखा है, टैबलेट के जैसे ही आता था पहले, लेकिन उसमें वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट था, इसमें इंटरनेट नहीं चलता था, मोबाइल का यूज नहीं था उसमें, बाकी वो कंप्यूटराइज कुछ वर्क करता था। और वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस यानी कि वायरलेस डिवाइस है कुछ के माध्यम से माल और सेवाओं का ऑनलाइन खरीद और बिक्री, इस तरीके से ये होता है एम कॉमर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उनको की जाती है मोबाइल कॉमर्स, वास्तव में आपकी पॉकेट में एक रिटेल स्टोर है, ठीक है। मोबाइल फोन अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण आजकल अधिकांश ई कॉमर्स वेबसाइट मोबाइल इनेबल्ड ये सक्षम होते हैं या फिर मोबाइल कॉमर्स के लिए कंपनी द्वारा मोबाइल ऐप बना दी जाती है। इसके बाद आता है मोबाइल कॉमर्स उपभोक्ता यानी कंज्यूमरों या ग्राहकों को ई कॉमर्स या एम कॉमर्स के बहुत सारे लाभ यानी एडवांटेज पड़ने वाले। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम है 6.2, ये है ई कॉमर्स के टाइप्स, आप इसको इस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हो, डायग्राम तो शॉर्ट में रखना है। तो एक है बी टू सी सबसे ज्यादा जो चलता है, उसका पूरा नाम यहाँ से अंडरलाइन याद रख सकते हो, बिजनेस टू कंज्यूमर। एक होता है बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, और एक है सी टू सी, ये सबसे ज्यादा चलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर तीनों। इसमें आपको शॉर्ट में याद रखना है तो प्रोड्यूसर से कस्टमर के लिए सीधा माल जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए आप इससे amazon.com याद रख सकते हो, और एक है बी टू बी, इसमें आप इसको alibaba.com याद रख सकते हो, और इसमें आपको दिया गया है सी टू सी में ebay.com और भी दो साइट हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ डायग्राम से भी समझ सकते हो, याद रख सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ई कॉमर्स के प्रकार क्या है, ई कॉमर्स किस तरीके से वर्क करती है, ई कॉमर्स की कुछ सुविधाएं हैं जो शॉर्ट में आप देख सकते हो। ई कॉमर्स में सुविधा क्या क्या रहती है समझाऊंगा अभी। उत्पाद की श्रृंखला प्रोडक्ट की रेंज, पैसे की बचत है इसमें, कॉस्ट सेविंग है, और विकल्प भुगतान के विकल्प है यानी कि पेमेंट के कई ऑप्शन है, और सामान लौटाने की सुविधा भी इसमें दी गई है। देखते हैं
सुविधा में क्या है कि किसी भी उत्पाद को अपने स्थान से दूर किए बिना किसी भी समय यानी कि 24 घंटे खरीदारी कर सकते हो, यही सुविधा है इसके अंदर। दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग से समय की बहुत बचत होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पाद के चयन से लेकर खरीदने और भुगतान तक लिया गया जो समय है कुछ मिनट का ही सिर्फ होता है, और उत्पाद को प्राय 1 सप्ताह के भीतर ग्राहक को भिजवा दिया जाता है। इसमें ग्राहक के लिए डिलीवरी का भी समय बच जाता है। एक क्या होता है कि उत्पाद की श्रृंखला यानी कि प्रोडक्ट रेंज, एक दुकान में एक विक्रेता केवल सीमित उत्पाद को ही रख सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती है। ई कॉमर्स के मामले में एक विक्रेता उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद और सेवाओं की एक विस्तृत यानी कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यानी कि बहुत बड़ी श्रृंखला में वो उत्पाद रख सकता है। ऐसे की बचत होती है ऑनलाइन, इसमें कॉस्ट सेविंग है। किस तरीके से? ई कॉमर्स मॉडल में विक्रेता सीधे उपभोक्ता को सामान बेचती है, इससे वो आम तौर पर उपभोक्ताओं को कम कीमत में अपने उत्पाद को बेचने में सक्षम है। ग्राहक भी अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर उत्पाद की कीमत की तुलना कर सकते हैं और अपना सामान सबसे कम कीमत पर बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी से खरीद सकते हैं। एक है भुगतान के विकल्प यानी कि पेमेंट ऑप्शन है। कुछ ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइट पर विभिन्न भुगतान विधियां यानी कि मेथड ऑफ पेमेंट्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश ऑन डिलीवरी जिसको शॉर्ट में COD बोलते हैं, डिलीवरी पर नगद भुगतान से भुगतान कर सकते हैं। इन सभी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। और सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन एक ये भी दिया गया है कि सामान को लौटाना यानी कि प्रोडक्ट रिटर्न। भारत में अधिकांश ई कंपनीज ने उत्पाद वापस रिटर्न करने की नीतियां बना रखी हैं। इसके अंतर्गत ग्राहक उत्पाद या सेवा से संतुष्ट नहीं होने पर उसे वापस कर सकता है। इसके अलावा कंपनी उत्पादों की बिक्री के बाद भी बेहतर सेवा प्रदान करती है। तो ये सारे के सारे ई कॉमर्स के लाभ होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान का एक ऑनलाइन स्टोर है, उसके बारे में जानते हैं। डिजिटल इंडिया की पहल और इंटरनेट के व्यापक प्रसार ने लोगों में व्यापक डिजिटल डिवाइस को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही ई कॉमर्स ने भारत में शहरी ग्रामीण के अंतर को भी कम किया है। ई कॉमर्स के प्रचलित होने से अब इस तरह उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो रहे हैं। एक राजस्थान सरकार ने चलाया है जो है ई बाजार पोर्टल शुरू किया है जो ग्रामीण और शहरों दोनों में व्यापक है। ई पोर्टल की जो मुख्य विशेषता क्या है, किसी भी राज्य का नागरिक अपना ऑर्डर इस वेबसाइट के माध्यम से दर्ज कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इस तरह के सभी ऑर्डर संबंधित जिला डाकघर में उपलब्ध ई मित्र कियोस्क में प्रदर्शित होंगे, और वन टाइम एक OTP आता है ग्राहक के पास में मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जिन्होंने सामान खरीदने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद चौथा नंबर एक लास्ट में क्या होता है कि डिलीवरी के समय ग्राहक को डाकिया को OTP दिखाना होगा और डाकघर स्पीड पोस्ट से अपना सामान भेजेगा। तो इस तरीके से ये ई बाजार का पोर्टल है, आप इसका यूज कर सकते हैं और राजस्थान सरकार का बनाया हुआ है। एक होता है ऑनलाइन शॉपिंग की कुछ वेबसाइट हैं जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। भारत के कुछ शीर्ष यानी कि टॉप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जो नीचे दी गई हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाली। एक फ्लिपकार्ट है जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेबसाइट है जिस पे किसी भी प्रकार की आप चीजें खरीद सकते हो। एक है अमेजोन। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इस पर भी आप किसी प्रकार के कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो। फिर इसके बाद snapdeal.com एक वेबसाइट है ऑनलाइन ई कॉमर्स में, और इस तरीके से इस पे सभी प्रकार के दैनिक जीवन की चीजें मिलती हैं। पेटीएम है, पेटीएम की शुरुआत वैसे तो ई वॉलेट मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान से की गई थी, लेकिन पेटीएम सस्ती कीमत पर घर की सजावट और कपड़े, लैपटॉप वगैरह भी उपलब्ध कराता है। और आजकल तो पेटीएम बैंक के रूप में भी आ चुका है। जेबोंग है, jebong.com, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। जेबोंग फैशन और एंड लाइफ स्टाइल स्टोर है और अपने सभी उत्पाद भारी छूट पे यहाँ पे प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना ई कॉमर्स के बारे में, इसके बारे में हम ई कॉमर्स के लाभ सीख जाने, ई कॉमर्स के टाइप सीखे, और इस तरीके से हमने ये सब चीजें जानी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को और कमेंट्स जरूर करें। यदि आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए और आप अच्छे से इस तरीके से ज्ञान लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और सब्सक्राइब सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं, और बेल बटन भी बजाना है ताकि आपको नए नए वीडियो उपलब्ध होते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।